गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। हमने इन दोनों पहलुओं पे पहले भी चर्चा की है, यानी कि बाहरी प्रतिबंध के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और दूसरा स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। मतलब कि हमारे पे बाहरी रूप से प्रतिबंध लगाए जाएं और दूसरा कि हम खुद को अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता को एक्सप्रेस करें, दूसरे को बताएं। तो राजनीतिक सिद्धांत में इनको नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। नेगेटिव जो फ्रीडम है वो उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, मतलब कि जिसमें जो होना है, बनना है या करना चाहे वो बनना या करना चाहे हो सके, बन सके और वो उसको कर सके। ये जो फील्ड है ये ऐसा फील्ड होगा जिसमें किसी भी बाहरी सत्ता का इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं होगा। ये एक छोटा सा पवित्र क्षेत्र है बच्चों, जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो अहस्तक्षेप के छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है, इस बात को मान्यता प्रदान करता है कि मानव प्रकृति और गरिमा के एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से बाधित रूप से, अबाधित रूप से व्यवहार ना कर सके। और ये जो क्षेत्र है ये कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये वाद विवाद के विषय हैं और बने रहेंगे, क्योंकि जिसमें हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते वो जो क्षेत्र है वो जितना बड़ा होगा उसमें फ्रीडम उतनी ही अधिक होगी। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो एक मुद्दा है कि जहाँ पर हम अपने बात को लेकर, अपने विचारों को लेकर दूसरे को अपने विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे के समक्ष हम बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम अपने राइट के अकॉर्डिंग, राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग। जेस मिल ने तर्क रखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो रिस्ट्रिकेट नहीं होनी चाहिए, प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ये है ये चर्चा का एक अच्छा विषय माना जाता है। अब इसमें बहुत से जो पुस्तक हैं, नाटक हैं, मूवी हैं या कोई शोध रिसर्च है तो उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है ना। आपने देखा होगा कोई कोई, जैसे आपने, हमने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा है मार्गलाइजेशन, तो उसमें हर्षीकरण में क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट्स में या कुछ ऐसा हो जाता है कि जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट ही लोगों को खड़ा होना पड़ जाता है, तो इसको प्रतिबंध लगाने की मांग जो है वो उठ जाती है। लेकिन ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर बातों